लाइटरूम में एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर ग्रेडिंग टूल का, ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप लोग अपनी फोटोज में सिमेट्रिक टच ऐड कर सकते हैं। सो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी अपने फोटो जो सिनेमैटिक कलर टोन्स होती हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं। सिनेमैटिक कलर टोन्स ऐड करने के बाद अपनी जो फोटो की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैं कुछ आपको अपनी पुरानी फोटो दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे दिखेंगी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मल एडिट करता था, मतलब एक दो मिनट में करके छोड़ देता था एंड उसको अपलोड कर देता था। एंड उसके बाद मैं सीखते गया एंड काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स भी देखे, वीडियोज़ वगैरह देखे। उसके बाद मेरे को जो सिनेमैटिक टच है उसके ट्रिक्स आ चुके हैं, मतलब किस टाइप से अपनी फोटोज़ में ऐड किया जाता है सिनेमैटिक टच। सो मैं यहाँ पे अपनी कुछ रिसेंट फोटो दिखाता हूँ एंड इससे आप लोग कंपेयर भी कर सकते हो किस टाइप से मेरी जो वर्क है वो इम्प्रूव हो चुकी है। एंड यही जो टिप्स है ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ किस टाइप से आप लोग अपनी फोटोज में ऐड कर सकते हो सिनेमैटिक टच एंड बिल्कुल इजी स्टेप के साथ एंड कम टाइम में। आपको लाइटरूम में एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर ग्रेडिंग टूल का, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिससे आप लोग अपनी फोटोज में सिनेमैटिक टच ऐड कर सकते हैं, अपनी जो फोटो की क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है उससे। एंड यहाँ पे एक टूल और है जो है कर्व टूल। कर्व टूल क्या होता है, मेनली थोड़ा टफ लगता है सुनने में एंड करने में भी टफ है, बट मैं यहाँ पे इजी स्टेप के साथ हल्का सा मीडियम एंड हाई एंड का भी बताऊंगा किस टाइप से आप लोग उसको यूज करके अपनी फोटोज में जो सिनेमैटिक टच होती है वो यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो एंड अपनी जो फोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं यूज करते हैं ये सब जो टूल्स वगैरह हैं। एंड आप लोग यूज़ करोगे आपकी वर्क भी इंप्रूव होगी एंड उससे आप लोग अर्निंग वगैरह भी कर सकते हो अगर आप लोग इन फ्यूचर कुछ करना चाहते हो एडिटिंग में। सो जल्द लाइक अपने फोन की स्क्रीन कर मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस टाइप से आपको अपनी फोटोज को एडिट करना है। सो वीडियो लाइक जरूर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है अगर वीडियो लाइक करते हो एंड अगर सब्सक्राइब करना तो कर सकते हो अगर कुछ सीखने को मिल रहा है। चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन कर। सिनेमैटिक यही होता है कि मतलब वो कलर दिखे ना बट वो कलर की फील है। जैसे येलो है तो वो डार्क येलो ना हो, वो हल्का सा लाइट लाइट येलो हो, है ना, हल्का सा डार्क भी हो चलेगा बट फील आनी चाहिए फोटो में। मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये वो एडिट है ना जो कोई भी बंदा कर सकता है, मतलब कोई भी लड़का जिसको कलर की नॉलेज है। जैसे आप लोग कर रहे हो स्टार्टिंग से तो आप लोग कुछ इस टाइप की टोन यहाँ पे लाके कर दोगे एंड इसको कर दोगे पोस्ट। बाकी ये अपना नॉर्मल हो गया एंड ये होता है सिनेमैटिक। देख रहे हो यहाँ पे एक फील आ रही है फोटो में, मतलब यहाँ पे ये येलो टाइप की है बट येलो दिख नहीं रहा है, फील आ रही है। नीचे येलो टाइप में है बट फील आ रही है, येलो नहीं है। तो सिनेमैटिक में यही होता है कि आपको वो कलर का फील चाहिए, मतलब फील आए, कलर ना दिखे चलेगा बट फील है। सो यही आप इस वीडियो में आपको भाई बताएगा। सो यहाँ से मैं सिनेमैटिक्स में जब एडिट करता हूँ तो अपनी फोटोज़ में क्या करता हूँ, हाईलाइट्स इंक्रीज करके रखता हूँ, मतलब इतना भी मत कर लो पूरा वॉश आउट हो जाए, हल्का सा रखो चलेगा। फिर यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ ना तो मैं इसको कर्व टूल में जाके इसको अच्छे से एडजस्ट करूँगा तो वहाँ पे और भी अच्छी जो फील है वो आएगी। यहाँ पे आ जाना कलर ग्रेडिंग टूल, भाई ये बाप टूल है, मतलब क्या ही बोलूँ इस टूल को, आपकी जो फोटोज़ में है ना वो टोन यहीं से आएगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक जल्दी से। सो यहाँ पे एक शैडो करके दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पे शैडो क्या मतलब है, जहाँ पे जो पार्ट ना ही ज़्यादा डार्क है ना ही ज़्यादा लाइट है, मतलब डार्क तो है वो बट इतना भी डार्क नहीं है पूरा ब्लैक से मैच कर जाए, मतलब हल्का सा डार्क है वो। एंड सेम यहाँ पे मिड टोन पे है। मिड टोन क्या होता है, जो अपनी फोटो की मिड है, मतलब मिड बोले तो अपने जो क्लॉथेस हो गए ड्रेसिंग एंड इसके जो साइड में पाइप है इधर इधर एंड अपना जो फेस है, ये सब मिड टोन पे आ जाते हैं, ये सब मिड टोन पे आते हैं। ये सबको मैं करके दिखाऊंगा किस टाइप से यूज़ होते हैं, किस टाइप से ये वर्क होता है इनका। एंड इसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है हाइलाइट्स, जो सबसे मोस्ट पावरफुल है। हाइलाइट्स क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा वाइटेस्ट पार्ट है तो वो हाइलाइट्स का होता है, जहाँ पर मतलब अच्छे से लाइट आ रही है एंड ज़्यादा लाइट आ रही है वो अपना हाइलाइट्स पार्ट हो गया। सो यहीं से मैं आपको सिनेमैटिक टोन दे के बताऊँगा किस टाइप से करोगे एंड किस टाइप से अपने में वो फील लाना है कि हाँ लगे कि सामने वाले को देखने में लगे कि हाँ बंदे में दम है, फॉलो कर लो। जैसे आप लोग ने किया होगा इंस्टा पे अगर किया होगा तो, और जिसने नहीं किया है फॉलो तो भाई कर लो यार, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जानते हो कैसे वर्क होता है इस पर, जैसे मैं अगर बता रहा हूँ मेरे को चाहिए अपने बैकग्राउंड पर हल्का सा ब्लू कलर, तो यहाँ से इसको लाऊंगा, यहाँ पे ब्लू कलर में इसको ला के रख दूंगा। यहाँ से रखने के बाद काम नहीं खत्म होता है, सॉरी इसको कम कर लूँ पहले। सो कुछ इतना मैंने यहाँ से ब्लू पे तो रख दिया। अब यहाँ से आपकी जो बारी आएगी ये होता है सेचुरेशन से, आप इसको सेचुरेशन से मैनेज कर सकते हो एंड इसका जो सेचुरेशन इसको इंक्रीज करके जितना अमाउंट ज़्यादा रखना चाहते हो, इससे क्या होगा जितना ज़्यादा अमाउंट रखना चाहोगे अपनी फोटो में उस हिसाब से इसको रख सकते हो। अगर ज़्यादा फील चाहिए फोटो में ब्लू का तो इसको और इंक्रीज करते हो करते जाओ, बट इतना भी नहीं चाहिए कि ब्लू लगे पूरी फोटो। फिर ऐसा मिड टोन पे है, मिड टोन से एक काम कर सकते हो अपने फेस को मैच कर सकते हो। जैसे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड होता है ये अपने फेस का ही कलर होता है, सो यहाँ से तो मैच कर बट अच्छे से मैच नहीं हो रहा अपना फोटो, तो यहाँ से डन कर दो भाई, दिक्कत क्या है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद मिड टोन पे
भाई यहाँ से मैच करो ना, दिक्कत कहाँ पे आ रही है भाई। ये देखो अपने फोटो में देखो, फेस दिख रहा है जो नीचे के पार्ट है मिट्टू, सो कुछ हिसाब से मैच कर सकते हो। तो ये फेस मैचिंग का है, इसको हम लोग हल्का से ही रखेंगे, ज़्यादा फील नहीं लेंगे, नहीं फील के चक्कर में फोटो खराब हो जाएगी। एंड ये सेकंड नंबर होता है, ये होता है हाइलाइट्स का, भाई क्या ही टूल है। हाइलाइट्स वजह से मैं अपना चाहता हूँ कि जो अपना पीछे का है ना हाइलाइट्स, ये येलो रहे, तो यहाँ से इसको येलो पे रख दूंगा। बट यहाँ पे उसके बाद सेचुरेशन पे आने के बाद इसको जितना इंक्रीज करते जाओगे उस हिसाब से आपकी फोटोज में आने लगेगा। अब देखना जो नीचे का पार्ट है, ये जो पाइप ऊपर हो गया, यहाँ पे येलो कलर का फील आ रहा है, येलो नहीं दिखेगा आपको, पूरा येलो नहीं दिखेगा, येलो कलर का फील लेना है। तो फील के लिए हम लोग इसको कम ही रखेंगे कुछ इतना। एंड यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हो, किस हिसाब से आपको इसको बैलेंस करके अच्छा लग रहा है आपकी फोटो में, कुछ उसी हिसाब से कर सकते हो। एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस भी इंक्रीज़ कर सकते हो एंड डिक्रीज भी कर सकते हो, सो कुछ इतना इंक्रीज़ कर लेते हैं एंड यहाँ से कर देंगे डन। ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतने अच्छे से आएगा। एंड एक और होता है यहाँ से प्रोफाइल्स करके, सो यहाँ से भी अपनी फ़ोटोज़ में एक जो प्रीसेट टाइप होता है, मतलब वो लाइटरूम में भी है फोटोशॉप में भी है, तो आप लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि वो ये प्रीसेट यूज़ करता है वो नहीं यूज़ करता। सो यूज़ करो इसको, जब दिया है तो क्यों नहीं यूज़ करोगे, जो चीज़ आपको फ्री मिल रही है वो तो यूज़ करो। अब यहाँ पे आ जाना लाइट्स पे, एंड कर्व टूल में आ जाएंगे। एंड कर्व टूल भाई क्या ही टूल है। तो यहाँ पे आपको तीन कलर मिल जाएंगे, एंड डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा कर्व टूल के बारे में। मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ किस टाइप से होता है। सो ये जो पार्ट होता है सबसे ऊपर का जो डॉट है, ये होता है अपना हाइलाइट्स। ये सबसे नीचे पार्ट है, ये होता है ब्लैक्स, आपकी जितनी फोटो ब्लैक होंगी ये उस पर आएगा कलर। एंड ये जो होता है, ये होता है मिड टोन। एंड बाई चांस कुछ गलत हो गया तो उसी डॉट के पास डबल क्लिक कर दो, ये अपने से पहले जैसा हो जाएगा। एंड ये ब्लू होता है, ये रेड। एंड इसकी बेसिक बता देता हूँ, अगर आप लोग इसको नीचे करते हो स्लाइड करके तो आपके में येलो कलर आएगा, ठीक है। एंड अगर ग्रीन पे आते हो तो इसको नीचे करोगे तो यहाँ पे मेजेंटा कलर है, मेजेंटा बोलो तो पिंक आ जाएगा। एंड रेड पे करोगे तो सियान कलर, सियान मतलब स्काई ब्लू। सो कुछ हिसाब से है इसका जो बेसिक है ये है। एंड डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर जाके देखना अगर अपनी फोटोज़ में भी सिनेमेटिक टच देना चाहते हो, फील लाना चाहते हो तो उसके लिए। सो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से जब भी मैं बोल रहा हूँ कर्व टूल यूज़ करो ना, अभी आप लोग अगर स्टार्ट ही कर रहे हो तो यहाँ से आप लोग इस पर तीन डॉट्स क्रिएट कर लो, ये जहाँ पे बॉक्स है ना, तो यहाँ पे तीन डॉट्स क्रिएट कर लो। इससे क्या होगा, आप लोग सेपरेट कर दोगे, क्योंकि नीचे का पार्ट अलग हो गया ब्लैक्स, ये पार्ट अलग हो गया मिड टोन, ये अलग हो गया हाइलाइट्स, तो आप लोगों की जो फोटो होगी वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हाइलाइट्स पे कुछ चेंज करोगे तो हाइलाइट्स भी रहेगा कुछ हिसाब से। एंड इसको हम लोग करेंगे हल्का सा नीचे अपनी फ़ोटो के लिए, क्योंकि हल्का सा येलो चाहिए अपने जो हाईलाइट पार्ट है कुछ हिसाब से। मिड टोन को करेंगे हल्का सा ऊपर की तरफ कुछ इतना, एंड इसको कर लेंगे नीचे कुछ इतना। एंड ये आप लोग जब जितना ज़्यादा करके देखोगे ना उस हिसाब से आपको पता चलेगा, मैं तो कितने बता दूं। एंड यहाँ से भी आप लोग इसको कर सकते हो, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप लोग डॉट्स क्रिएट करके ही करो, सो कुछ हिसाब से कर सकते हो। इसको ऊपर नीचे करके देखो, जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी लगे वहाँ पे इसको रख के अच्छे से और ऊपर नीचे करके डॉट्स क्रिएट करके वहाँ से इसको मैच कर लो अच्छे से। ये तो नहीं बता सकती कि आपकी फ़ोटोज़ अलग होंगी मेरी अलग हैं, तो मैं तो ये बता सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ किस हिसाब से करना है, वो करना तो आप ही हुआ। नीचे हल्का सा ब्लूइश जाएगा तो यहाँ पे रखेंगे हाइलाइट्स पे, मिड टोन को नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से इसको हल्का सा कर देते हैं। इसके बाद वाइट्स पे आ जाएंगे, वाइट्स पे आने के बाद यहाँ से हल्का सा डाउन कर देंगे, और हल्का सा नीचे से भी ब्लैक्स को भी डाउन कर देते हैं कुछ हिसाब से, एंड इंक्रीज कर लेते हैं हाइलाइट्स पर। तो भाई कुछ इतना हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने फोटो में फील आ चुकी है जो सिनेमेटिक टोन्स की चाहिए। अब इसके बाद और ज़्यादा फील लाने के लिए यहाँ से एक सिलेक्टिव में आ जाना है, यहाँ से एक ग्रेडियंट चूज़ कर लेना, इसको ऐसे का इसको नीचे रख के अपने हर एक फ़ोटो में इसकी जो एक्सपोजर है यहाँ से कम कर दो, एंड क्लियरिटी इंक्रीज कर दो, एंड डीएस भी इंक्रीज़ कर दो। एंड यहाँ से इस पर मन चाहा कलर ऐड कर सकते हो, मैं येलो बोला था येलो रख रहा हूँ। यहाँ से इसको कलर्स पे जो भी कलर आप लोग चाहते हो अपने बैकग्राउंड पे वहाँ पे ला के इसको रख सकते हो, जो कलर अच्छा लगे आपकी फ़ोटोज़ में उस हिसाब से आप इसको रखो एंड यूज़ करो। एंड फ्लेयर की बात रही तो फ्लेयर भी कुछ इसी टाइप से आपको क्रिएट कर लेना है, सर्कल लाना है एक, यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसको स्ट्रेच कर लेना है, ये याद रखना है ये पूरे पतला हो,
ये ऐसे मोटा ना, मतलब लाइन मोटी ना हो। एंड इसको हल्का सा इसके बाद मूवमेंट ऐड करोगे नीचे से, यहाँ से इस पे कलर ऐड कर दो, कोई भी कलर जो भी चाहिए बैकग्राउंड पे। हेलो रख लेते हैं, जैसी मर्जी आपकी, हो गई। हाँ ये फोटो फील मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इस टाइप में किया हूँ। टाइम दो, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा कर पाओगे। एंड ये जो दो तीन टूल बताए हो, टिप्स समझ लो, टूल समझ लो, जो भी समझ लो, ये इनमें काम करो अच्छे से, तभी आप लोग कर पाओगे। सो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो जय क्रिएशन LR, एंड इंस्टा फॉलो कर दो। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।